हम अपील करते हैं बिलावल भुट्टो से, अपील करते हैं आसिफ जरदारी से, चेयरमैन जफर आरई से, खुदा हमारे पे तरस करो, पानी निकाल के दो। तकरीबन जब से बारिशें हैं तो रुक गई हैं, लेकिन जब से सिमनाला जो टूटा है ना हमारी तरफ, ये सारा पानी उस सिमनाले की वजह से। अस्सलामु अलैकुम, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ अस्मा आसिफ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। अब्दुल फतार रिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह UC-9 में गोट सभागोश खान खास खेली और यार मोहम्मद खास खेली को सेम नाले के पानी ने डिबो दिया और गोट मकीन गंदे बदबूदार पानी में रहने पर मजबूर और परेशान। मच्छरों की वजह से बच्चे बीमारों मवेशी मरने लगे। आइए मजीद देखते हैं नवाब शाह से रिपोर्ट। जी नाज़रीन, अभी हम जैसे कि गोट नवाब शाह के बिल्कुल साथ ही गोट सभागो खान खास के लिए मौजूद हैं और यार मोहम्मद खास के लिए, जहाँ पे बरसात के पानी, बरसात तो ख़त्म हो गया मगर यहाँ पे पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमारे बच्चे परेशान हैं, जानवर बीमार हैं, काफ़ी हमारे जानवर भी मर गए, पानी इतने आने जाने में बड़ी दुश्वारी हो रही, बच्चे काफ़ी बीमार हैं, रात को मच्छर इतने सोने नहीं देते हमारे को। UC-9 के हम रहायशी हैं गोट, हम यार मोहम्मद खास के लिए। पानी बढ़ रहा है, नाला पड़ता है, ठीक है, वो सिमनाला टूटा है, हमने जितना हमारे बंदे थे हमने बांधने की कोशिश करा, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, क्रेने भी हम लेके गए लेकिन हमारे बस में नहीं था, बाकी अभी तक हमारे से किसी ने पूछा नहीं है, समझा ना, कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अभी आया भी कोई नहीं है। सही, ये पानी में से मच्छर हैं, बहुत मच्छर इतने हैं कि माल भी मर रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, समझा ना, बड़ी तकलीफ है पानी से हमारे बच्चे। ये सदर साहब से अपील करना चाहते हैं और उन्होंने DC नवाब शाह और यहाँ पर जो सब ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के आला अमलदारों और दीगर से अपील की है कि वो यहाँ के जो सिम नाले का पानी है निकाला जाए और इनको जो ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है उनको आसान बनाया जाए। साथी कैमरा मैन के साथ अब्दुल फतार, टुडे न्यूज़।